ते हैं एक टूल्स की तरफ ये आगे फिर लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पहले आपको ना टूल्स कवर करा देता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ यू डेंट नो अबाउट दैट टूल्स आई एम यूजिंग कि आप में से कईयों को नहीं पता होगा कि अभी कुछ टूल्स अगर मैंने यूज़ किए हैं वो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से यूज़ किए हैं पुश पुल हो गया सर्कल हो गया कुछ चीज़ें आपको उस हवाले से नहीं पता पहले मैं आपको ना टूल्स क्लियर करवा देता हूँ ठीक है मेन्यू बार पे जहाँ पे हमारे पास ये हमारी एक्सटेंशन टूल बार कह लें उसको या मेन टूल बार कह लें इसमें हमारे सारे टूल्स जो एक्सटेंशन एज एन एक्सटेंशन हमारे पास मौजूद होते हैं वो यहाँ पे शो होते रहते हैं इसमें आएंगे हमने हमेशा हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे कहीं पे भी, भी तो ये आपके पास ये बार ओपन हो जाएगी यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है लार्ज टूल सेट ये मैं आपको आज कवर करवाऊँगा लार्ज टूल सेट जो हमारा है इसे हमने कवर करना है ठीक है अगर आप ये कवर कर लेंगे तो बेसिक स्केचअप आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ लार्ज टूल बार टूल बार आपने Uh, अगर कवर कर ले तो ठीक है सबसे पहला हमारे पास लार्ज टूल सेट में जो ऑप्शन है वो क्या कह कहते हैं सेलेक्ट का कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है इसमें आपने अगर लाइक like, आटो इस राइट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पूरी ज्योमेट्री को कवर uh, करना होगा आपको तो तब जाके वो सिलेक्ट होगी अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आप जिस भी ज्योमेट्री को टच करेंगे वो होल ज्योमेट्री कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगी ठीक है इसका ये फंक्शन है इसके बाद आ जाते हैं पेंसिल टूल पे लाइक पेंसिल टूल सिंपल टूल है लाइन क्रिएट करने के लिए एक इसमें टिप मैं आपको दे देता हूँ जब भी पेंसिल टूल यूज़ करेंगे अक्सर होता है आपकी स्नैप नहीं कर रही होती पेंसिल लाइन तो या आपने कुछ स्पेसिफिक एंगल पे लाइन क्रिएट करनी है सपोजिटली मैंने ये एंगल पे लाइन क्रिएट करनी है मैं शिफ्ट को होल्ड डाउन करके रखूँगा तो मेरी ये लाइन उस एंगल पे चली जाएगी मतलब शिफ्ट का आपको होल्ड डाउन कर लेंगे देखिए आपकी लाइन थोड़ी सी थिकर हो गई है मैं जेंटा लाइन रेड एक्सिस की हमने चेंज कर दी थी अब मैं शिफ्ट छोड़ूंगा ये लाइन बारीक हो गई है जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये डार्क होगी इसका मतलब है ये एंगल पे फ्रीज हो गई लाइन अब मैं माउस को आगे पीछे कहीं भी मूव करूँगा ना लाइन अपने ओरिजिन से नहीं हटेगी उसको रेड एक्सिस पे मैंने लॉक किया था शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने इस वक्त शिफ्ट मैंने छोड़ा नहीं है ठीक है आप आगे पीछे करें अब सपोजिटली मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने इससे थोड़ा सा फासले पे लाइन लेनी है ठीक है ये पॉइंट है हमारा वहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस एज तक ही लाइन लेनी है अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो आपकी लाइन उधर स्नैप करने लग जाएगी उस ज्योमेट्री के साथ लेकिन जब मैं इस एक्सिस पे आके शिफ्ट प्रेस करूंगा आपकी लाइन लॉक हो जाएगी एक्सिस पे जिस एक्सिस पे आपने रखी हुई है ठीक है अब मैं इसको इसके बराबर लगाना चाहता हूँ या इसके बराबर लगाना चाहता हूँ तो मुझे मेजर नहीं करना पड़ेगा मैं इसी तरह स्नैप करके लगा सकता हूँ बेसिक स्नैपिंग स्केचअप में इसी तरह होती है इसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा ठीक है इसके अलावा एक और मैथड ये कि आप कर्सर कीज़ जो होती हैं हमारी जो राइट हैंड साइड पर होती हैं कर्सर कीज़ अप डाउन लेफ़्ट राइट कीज़ जो हैं बिल्कुल ये होम टैप के नीचे ठीक है इसमें अगर मैं राइट right की प्रेस करता हूँ तो मैंने कोई चीज़ नहीं शिफ्ट को प्रेस नहीं किया हुआ ठीक है लेकिन वो लाइन मेरी रेड एक्सिस में ही फ्रीज है ये रेड एक्सिस पे लॉक हो गई लाइन ठीक हो गया अब इसमें आप कहीं भी भी क्लिक करें आपकी लाइन ओरिजिन से एक्सिस से नहीं हटेगी लेकिन आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं उसमें अब जैसे मैंने इतनी लाइन लगानी है अब मुझे तो नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है लेकिन अब मैं यहाँ से इसको स्नैप कर लूँगा तो उसी के बराबर लाइन लगेगी ये यहाँ से स्नैप कर लूँगा या यहाँ से स्नैप कर लूँगा उतनी ही लाइन लगेगी इतनी जितनी होगी अगर हमने ग्रीन एक्सिस पे कोई लाइन लगानी है ठीक है और मैं चाहता हूँ माउस ज़्यादा मतलब लाइन इस तरह मूव ना करे बिल्कुल सीधी लाइन लगे तो मैं लेफ़्ट वाली कर्स की को प्रेस करूंगा आपकी ग्रीन पे ग्रीन एक्सिस में लाइन लॉक हो जाएगी बैक जाएं अब जाएं ये लाइन मूव नहीं करेगी आप माउस जहां मर्जी घुमा लें आपकी ग्रीन एक्सिस पे लाइन लॉक है ये चीज़ आप शिफ्ट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं मतलब शिफ्ट मैंने प्रेस किया मेरी लाइन लॉक हो गई एक्सिस पे ग्रीन एक्सिस पे ठीक है इसके बाद आप जहाँ इसको आगे पीछे जैसे मर्जी मूव कर लें माउस को आपकी लाइन सीधी ही जाएगी ये लाइक आर्थो इन स्केचअप कर लें उसको जैसे आर्थो में आटोकैट में करते हैं आर्थो स्केचअप यूँ वर्क करता है ठीक हो गया क्या आपकी राइट right क्लिक राइट कर सर की प्रेस करेंगे आपकी लॉक हो जाएगी ठीक है इसके अलावा अगर आप अब की प्रेस करते हैं तो आपकी ब्लू एक्सिस में लाइन लॉक हो जाएगी ठीक है आप की प्रेस करेंगे ब्लू एक्सिस में आपकी लाइन लॉक हो जाएगी कहीं भी आपने डिस्टेंस लेना है मेजर करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो आप मतलब इवन सर्कल्स में सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होती है स्केचअप में कि सर्कल में हमने हाइट लेनी होती है ठीक है और मेजर करनी होती है अब हमें हाइट नहीं पता होती तो हम लॉक कर लेंगे एक्सिस पे वहाँ तक स्नैप करेंगे उतनी ही लाइन लगेगी जितनी आपने स्नैप करवाई जितनी एंड पॉइंट या मिड पॉइंट पे आपने उसको फिक्स किया या आ, स्नैप करवाया ठीक है आ, इसके अलावा हमारे पास अगली जो ये सिंपल लाइन कमांड थी ठीक है इसके बाद हमारे पास फ्री हैंड है तो फ्री हैंड इसको कर लें जैसे मर्जी कोई ट्रेस करनी चीज़ ये फ्री हैंड में आप कर सकते हैं इसके लिए पेन एंड टैबलेट अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर होता है इसमें आप कोई भी चीज़ ना ट्रेस कर सकते हैं ठीक है